बड़ी खबर, एल्विस ने खुद के बारे में जानकारी दी है। उसने लिखा, बड़ी खबर, मैं बीमार हूँ, आज कोई ब्लॉग नहीं होगा। नमस्ते, मेरा नाम राजगोपाल होता, और आज एक और मैं एक नया रिएक्शन वीडियो लेकर आता। तो आज मैं जिस वीडियो के ऊपर रिएक्ट करने जा रहा हूँ, उस वीडियो का नाम है एल्विस यादव वर्सेस मीडिया रोस्ट। तो ये ट्रिगर्ड इंसान की तरह से फाइनली एक और नया वीडियो आया था सैटरडे के दिन, जिसमें एल्विस यादव और मीडिया के बीच में जो कुछ पंगा हुआ था, तो उसका ये एक नया रोस्ट वीडियो आया। आई थिंक मीडिया को ही रोस्ट किया होगा। तो देखते हैं वीडियो कैसा होता है, किस टाइप का होता है, कैसा रोस्ट होता है, ओवरऑल मीडिया का रोस्ट होता है, किसका होता है, देखते हैं। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, चैनल पर नहीं हो तो पूरा रिएक्शन वीडियो देखना। अगर तुम ट्रिगर्ड इंसान के बहुत बड़े फैन हो और इसके रिएक्शन वीडियो देखना पसंद है, मेरे चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ मेरा पूरा रिएक्शन वीडियो देखना, ठीक है। तो मैं वीडियो खत्म होने के बाद बताता हूँ मुझे कैसा लगा। तो वीडियो स्टार्ट पन लाता, वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के, लेट्स गो। गए, मेरे पास आईफोन है, मेरे पास कार है, मेरे पास मेरी पटाखा भी है। शायरी क्या कर रही है? और मेरे पास ये ट्राइपॉड का डब्बा है, तेरे सर पे लगने वाला है। सॉरी, मजाक कर रहा हूँ। अबे छोटे चिरांद पप्पू पॉकेट, तेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है? ये जो गाड़ी चलाने का तू फ्लेक्स कर रहा है, इसको चलाने के लिए तेरे पास लाइसेंस भी है? और वो छोड़, तुम दोनों के पास डायपर है, क्योंकि जब पुलिस वाले तुम्हें ये सब हरकतें करते हुए देखेंगे तो वो जो तुम्हारे दो लप्पड़ लगाएंगे, उसके बाद तुम्हारा जो सुजू निकलेगा उसको रोकने के लिए डायपर की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारी मम्मी ने आने वाली चुप करवाने के लिए। शांत शांत हो जा मेरे बच्चे, शांत हो जा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मूड थोड़ा सा खराब है तो फिर अपना काम खल्लास। कैजुअल कपड़ों में बुलाया था, ठीक है। और ये बंदी देखो, ये कैजुअल कपड़े दे रहे, मेरी ड्रेस की बात कर रहे हैं। एक मिनट दिखा फोन जरा। ये तो टट्टी है भाई की मूछें हैं भाई, सबसे ज्यादा सेक्सी भाई। वाह, जवाब नहीं आपकी मूछों का। एक सेकेंड होना रहे। हेलो रॉयल सर्कस, आपका जोकर नहीं आया? अरे हाँ, वो तो रील बनाने में बिजी है अपने आइटम के साथ। ब्रो इज नॉट अ छपरी, छपरी इज द ब्रो। गूगल पे बैठ के अगर मैं छपरी सर्च करूँ ना तो भाई की शक्ल आती है। इन लोगों के पास इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है ये सब पोस्ट कर पाने के लिए? इनको एक सेकंड के लिए कभी फील नहीं होता कि व्हाट वी आर मेकिंग इज एक्चुअल क्रिंज। बंदर मामा पहन पजामा दावत खाने आए। बड़ी खबर, एल्विस ने खुद के बारे में जानकारी दी है। उसने लिखा, बड़ी खबर, मैं बीमार हूँ, आज कोई ब्लॉग नहीं होगा। एल्विस यादव सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहता है और अपने बारे में जानकारियां देता है। ये नई बात उसने अपने बारे में लिखी है, मैं बीमार हूँ और आज कोई ब्लॉग नहीं डालू। कल से दोबारा मस्ती चालू, एल्विस ने इंस्टाग्राम पर जानकारी दी है। ये देखिए, ये बड़ी खबर है। पर एल्विस की तरफ से जो जानकारी डाली गई है हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी खबर, बड़ी खबर। ब्रो लिटरली सेड आज की बड़ी खबर कि एल्विस जो है आज व्लॉग नहीं डालेंगे, ये इन मीडिया वालों के लिए बड़ी खबर है। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। एल्विस ने बोला है कि वो आज वीडियो नहीं डालेंगे क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। बहुत बड़ी खबर, ये नेशनल न्यूज है। पीपल एक्चुअली वॉच ऑल दिस। और इन लोगों को ये बोलते हुए कि ये एक बड़ी खबर है, शर्म भी नहीं आ रही। अरे शर्म करो, इंडियन न्यूज चैनल्स नोट कर लो भाई, ये सब सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स में काम आ सकता है ये। भाई एक जमाना था जब न्यूज चैनल्स पे एक्चुअली तुम्हें न्यूज दिखाई जाती थी, आजकल न्यूज में क्या दिखाया जाता है? क्या एलियन गाय का दूध पीते हैं? आज हम बताने वाले हैं आपको वो वाक्या जब बीवी ने बजाया किम का बैंड। भाई की खुशी देख रहे हो? यस। ओहो हो भाई, सुपर एक्साइटेड है, शक्ल देख रहे हो, एंड में कैसे बना रहे हैं। फाइनली डन इट। पूरी जिंदगी सिंगल रहने के बाद ये इंजीनियरिंग का लौंडा जो है फाइनली ही वाज एबल टू लैंड अ गर्ल। भाई की शादी हो गई, उसकी एक्साइटमेंट देखो। ये अपनी तो खुद की बात नहीं कर रहा ट्रिगर्ड इंसान, शादी वाले पॉइंट में हो गई आज फाइनली। पूरी जिंदगी का व्रत आज पूर्ण हुआ भाई, फॉर रियल हिला हुआ है थोड़ा सा। आई कैन रिलेट टू दिस गाय। या तो भाई बहुत ही ज्यादा इंट्रोवर्ट है और जिंदगी में कभी किसी लड़की से बात नहीं कर पाया, या तो भाई को इतनी लड़कियों ने रिजेक्ट कर दिया था कि भाई को कोई उम्मीद ही नहीं थी कि उसके साथ भी कभी ऐसा होगा। लेकिन आज वो दिन आ चुका है व्हेन ब्रदर हैज फाइनली गॉट अ गर्ल एंड ही इज वे टू एक्साइटेड है। भाई आई एम एक्साइटेड फॉर दिस गाय, आई डोंट नो व्हाट आई एम सेइंग। अगर आपके पीछे कभी चीता पड़ जाए तो आपको क्या करना चाहिए? ओहो, नोट कर लेता हूँ, नोट कर लेता हूँ, काम आएगा। भागकर आप इससे बिल्कुल भी नहीं बच सकते क्योंकि आपका पाला दुनिया के सबसे तेज भागने वाले जानवर से है। चीते कार से भी तेज 80 से 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। अगर आप जंगल में है तो पेड़ पर चढ़कर भी आप नहीं बच सकते क्योंकि शिकार के लिए कहीं भी चढ़ सकते हैं। चीते की पूंछ अगर सीधी है तो समझ लीजिए वो आप पर हमला करने के लिए रेडी है। ऐसे में आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि अपने आंखों को उसके आंखों से मिलाकर रखना है क्योंकि आप उसके लिए एकदम नई चीज है, आप उसका नॉर्मल खुराक नहीं है। इसलिए चीता हमला खुद
के बचाव के लिए कर रहा होगा, ना कि खुड़ा के लिए। आप हाथों को जोर जोर से हिलाकर ताली बजाते हुए चिल्लाना चीखना शुरू कर दे। अगर इसके बाद भी चीता हमला कर दे तो आपको फिर भी घबराना नहीं है। चीते की शुरुआती हमला बनावटी हमला होगा जो आपको बस डरा कर भगाने के लिए होगा। अगर आपके पास बैग, पर्स या जूता है तो उसे उसके बाजू में फेंक दे ताकि वो उसमें उलझ जाए। अगर इसके बाद भी अगर चीता अपने कदम को पीछे कर रहा है तो समझ लीजिए आपके गर्दन को दबोचने का प्लान है। ऐसे में आप उसके आंखों पर मुक्के से लगातार प्रहार करते रहें जिससे उसे दिखना बंद हो जाएगा और आप भाग सकते हैं। अगर इससे भी काम ना बने तो अगला काम चीता खुद कर लेगा। All this guy said was, चीते की आंखों पे घूसा मारो और भाग जाओ। नहीं, ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक। अबे मारो, मुझे मारो। अबे क्या, हेलो भाई, मैं चीते के पेट में से बोल रहा हूँ। हाँ, अभी बताइए क्या करना है। आपने तो बोला था घबराइए मत, घबराइए मत। अभी बताता हूँ तरीका, आपने तरीका तो बताया नहीं। वो चीते की आंखों पे मुक्का मारने गया, वो निकल गया मेरे को। हेलो हेलो, चार बार भाई ने बोला घबराइए मत। फिर भी घबराना नहीं है। नहीं घबरा रहा, पर करना क्या। फिर भी घबराना नहीं है। चल, ऐसे कैसे तेरी माँ तेरी शादी कहीं और करा देगी। मैं भी गैंगस्टर हूँ बेटा, तेरे शादी के मंडप को कब्रिस्तान बना देगी। तू गैंगस्टर है ये तूने बोल दिया, मैंने मान लिया। उसके बाद नाच के क्या दिखा रही है, मैं गैंगस्टर हूँ। अच्छा, तुम्हें अमिताभ बच्चन। काश मेरी भी एक ऐसी गर्लफ्रेंड होती जो मुझे भी ऐसी ही धमकियां देती और फिर उसके बाद ऐसे 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 करती। भाई तू क्या करने की कोशिश कर रहा है, ये कौन से चरण स्पर्श करने की कोशिश कर रहा है? ये चरण स्पर्श नहीं, अरे मेरी हिंदी यार, ये मीम रिक्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। वाह 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 वाह, तू क्या हो चुका है आजकल की जनरेशन को भाई। आशीर्वाद अगर तुम्हें लेना है तो उसके लिए थोड़ा सा झुक जाने में कितना कष्ट पड़ता है यार। मतलब आशीर्वाद भी लेना है तो कौन से चरण स्पर्श करके ले यार, पांव छूने का तरीका थोड़ा कैजुअल। स्मार्टेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, ऐसे काश बोल पाता, बट मेरे को लग रहा था ये पक्का यही बोलेगा। और मैं भी होता मैं बोलता मैं तुम दोनों से ही प्यार करता हूँ, चले आओ आगे। Another video जो मैंने पूरी पता नहीं क्यों देखी, ऐसी videos पता नहीं मैं एंड तक देखता क्यों, क्या सोचता हूँ मैं कि क्या होगा। मुझे लगा था भाई कुछ एनिमल लेवल नेक्स्ट लेवल शिट होगी इसमें, जिसपे भाई तृप्ति दिमिरी और रश्मिका के बीच में लड़ाई होगी, ऐसा कुछ होगा। मतलब भाई लक्की जी भी मेरे को तो दोनों पसंद है और वो दोनों खुश भी है आपस में। ये लड़कियां कहां मिलती है जो अपने पति को किसी और के साथ शेयर करने में भी दे आर वेरी हैप्पी। I can't. मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं गाइस कैंसल नहीं होना चाहता। मैं सच में चाहता हूँ कि मैं यूट्यूब पे वीडियोस आगे भी बनाता रहूं। मेरे द्वारा बोला गया एक एक शब्द जो है इस मोमेंट पर मुझे कैंसल करवाने की कगार पर खड़ा कर रहा है। ये जो मैं हंस भी रहा था अभी, हो सकता है इस चीज के लिए भी कोई ना कोई मेरे से ऑफेंड हो जाए, मुझे क्षमा कर दो। मैं जात विवाद में कभी नहीं करूंगा। और कल के लिए I'm sorry, you should be forgotten. No, don't say that. तो फिर क्या बोलूं? बट द एक्ट जो ये कर रहे थे वॉज वेरी ओवर एक्ट।
क्या बोला मैंने? इसको देख के अर्जुन कपूर के लिए रिस्पेक्ट बढ़ जाती है, इसको देख के अनन्या पांडे के लिए रिस्पेक्ट बढ़ जाती है कि शायद अनन्या पांडे ने एक्चुअली में लाइफ में स्ट्रगल करी है. एंड वी ऑल वर रॉन्ग व्हेन शी सेड माय डैड हैज नेवर बीन इन अ धर्मा फिल्म, ही नेवर वेंट ऑन कॉफी विद करण. दिस सीन सो इज लाइक प्लीज तुम मुझसे नाराज मत हो, मैं नाराज हूँ तुमसे, प्लीज मत हो, अच्छा नहीं होंगी, मैं क्या करूँ, कुछ मत करो, ठीक है, ओके. आर यू फॉर रियल? मतलब ये लोग जान के ऐसा गंदा एक्ट करने का प्रिटेंड कर रहे थे या फिर ये सीन की डिमांड थी? आई डोंट नो मैन, मुझे एक्टिंग नहीं आती, मैं नहीं हूँ एक्टर, मैं नहीं बोल सकता क्योंकि मैं बोलूंगा तो तुम लोग मेरे को बोलोगे कि भाई तू कौन होता है बोलने वाला. तेरा बाप हूँ. ब्रो समोसा तो साउथ इंडियन डिश भी नहीं है, ऑब्वियसली इडली खाएगा ना. आलू का पराठा खाऊं या डोसा खाऊं? डोसा खाऊंगा. अगेन आलू का पराठा तो साउथ इंडियन डिश भी नहीं है, डोसा ही है. साउथ इंडियन फूड ईटिंग चैलेंज में डोसा ही खाएगा ना. टमाटर की चटनी खाऊं या नारियल की चटनी खाऊं? नारियल की चटनी खाऊंगा. तू दो थप्पड़ खा मेरे से. इस वीडियो से मुझे यही शिक्षा मिलती है कि अपनी औकात से ज्यादा मैं कुछ नहीं करता. इस वीडियो से हमें यही शिक्षा मिलती है कि भाई शिक्षा जो है बहुत जरूरी है, और जिन जिनको शिक्षा नहीं मिली है वही ऐसी चीजें करते हैं फिर सोशल मीडिया पे बैठ के. व्हाट वाज ब्रो इवन ट्राइंग टू अकम्प्लिश? साउथ इंडियन डिश के नाम पे मैं डोसा खाऊं या पराठा? अबे तेरे पिताजी ने दो लप्पड़ लगाए होते ना, तेरे को तो ये दिन नहीं देखना पड़ता उनको. भाई पड़ोस वाली पट गई. एनीवेज गाइस आई होप यू गाइस एंजॉयड दिस वीडियो. मेरा मूड वैसे वीडियो जब मैंने स्टार्ट करी थी बनानी तब थोड़ा सा खराब था फॉर सम रीजंस, बट अभी आई फील मच बेटर. मैंने यही करना आज का, जब भी मेरा मूड खराब होना मेरे वीडियो बनाने बैठ जाना. एनीवेज गाइस लाइक दिस वीडियो, आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन. तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय. तो भाई फाइनली वीडियो खत्म. वीडियो कैसा था? वेरी नाइस, बहुत एंटरटेनिंग था. मुझे सच बोलूं तो बहुत अच्छा लगा था भाई. मतलब मैं तो पूरा सोचा था एलवी यादव और मीडिया के बीच में जो लड़ाई होगा तो टाइटल के हिसाब से पूरा ही रोस्ट वीडियो होगा. ये तो भाई एक दो मिनट के लिए कर दिया और एक टाइप से मतलब रिएक्शन ही दे रहा है, जो कि बात सही है. और मैं एक बात बोलूं, मैं भी रिव्यू वगैरह देखता हूं, मूवी रिव्यू. तो पहले मूवी की बात करते थे, आर्चीज में आर्कीज बोलता था. तो आ रही है भाई शाहरुख खान की बेटी है. भाई शाहरुख खान तो मेरा को बहुत पसंद है भाई, फेवरेट एक्टर, प्यार है भाई सब एक्टरों के लिए. मतलब मेरे को तो है, लड़कों को भी होता होगा भाई. सीरियसली तो उसकी बेटी आ रही है पहली बार, मेरे को बड़ा अच्छा लगा भाई सीरियसली. तो रिव्यू देखा तो लोग बोल रहे हैं कि जो विजुअल्स है, जो सेट्स वगैरह है, म्यूज़िक वगैरह वो बहुत अच्छा, एकदम 90s मतलब 60s का जमाना फील करा रहा था, वाइब दे रहा था. पर एक्टिंग और स्टोरी भी वैसा कुछ खास नहीं था, ऐसे बोल रहे थे भाई सीरियसली. मतलब उतना मज़ा नहीं आया था करके. और मेरे को लगा चलो सुहाना खान तो अच्छा कर पाएगी, लोग बोल रहे हैं, बट उतना अच्छा नहीं. मैं हेट नहीं करता किसी को, बट मैं बोल रहा हूँ भाई सब. और ट्रिगर्ड इंसान ने जब बोला ना, ठीक है. और देखो भाई मैं भी देखो तो एक्सप्रेशन थोड़ा चेंज होता है. तो ये दोनों लड़की मिलके जब बात करते कुछ एक्सप्रेशन यूज जस्ट फॉरगिव मी ना कर कैसे, बट कोई बात नहीं. और रही बात आज की सबसे बड़ी ताज़ा खबर की, राजा का रिएक्शन वेडनेसडे को वीडियो नहीं डालेंगे, तो इसको भी बड़ी खबर बना दो भाई सीरियसली. मतलब कि मैं वीडियो नहीं डाल रहा, मैं स्टोरी नहीं डाल रहा, ये कौन सी बड़ी खबर है भाई कि आज एलवी यादव कुछ करेगा नहीं? क्यों? उसको सोना है, नींद आ रहा है भाई सीरियसली यार. कुछ भी भाई वो बना रहे हो करके इसको गमला चोरी भी बोल दिया था. और एक और बात बोलना चाहता हूँ, क्या करो अंदर ही थोड़ा दिमाग में खुराफाती स्क्रिप्टिंग चलती है ना. तो पहले एक बात बोलता हूँ एलविश यादव के बारे में कि ना मैं एलविश भाई का ना पहले बिल्कुल भी फ़ैन नहीं था. मुझे इसका रोस्टिंग थोड़ा ज़्यादा मतलब क्या बोलूँ कि थोड़ा क्रिटिसिज्म टाइप वाला था ऐसे वैसे करके. भाई इस बात पर मेरे को नफरत मत करना, कैंसल मत करना, मैं कैंसल कल्चर चलाने नहीं आया. तो मैं एलविश भाई को इतना मतलब पसंद नहीं करता था. हाँ रोस्टिंग देखा था मैंने, बहुत खतरनाक रोस्ट करता है. फिर व्लॉग देखा, अच्छा लग रहा था. फिर भाई ने थोड़ा इनकंसिस्टेंसी दिखा दी, बिल्कुल राजा का रिएक्शन की तरह. मजाक कर रहा हूँ ठीक है, तो मैंने अनसब्सक्राइब कर दिया. फिर उसके बाद से कर रहा, पर जैसे ही भाई एलविश यादव बिग बॉस में आया और जो लास्ट तक उसने खेला और जो जीता ना भाई साहब, उसके बाद मेरे को एक ही डायलॉग याद आ रहा है, अरे एलविश भाई के आगे कोई कुछ बोल सकता है क्या? ए एलविश भाई. सीरियसली भाई वो मीम भी बहुत पसंद है. और मेरे को एलविश यादव अच्छा लगा सच बोलूं. फुकरा इंसान तो भाई सीरियसली वाव मटेरियल था भाई. आई मीन
कंटेस्टेंट था भाई, पार्टिसिपेंट था, लेकिन एल्विस भाई के आते और दुगना मजा हो गया था, इसलिए भाई सच बोलूँ तो हाँ मैंने ऐसे देखा है पहले भी, आई थिंक पता नहीं रोस्ट में देखा किसी में देखा कि मैं व्लॉग नहीं डाल रहा क्योंकि मैं फील नहीं, मतलब मैं अच्छा फील नहीं कर रहा, बीमार हूँ तो इसलिए मैं व्लॉग नहीं डाल रहा। लोग बहन चू क्या क्या करते हैं पैसों के लिए, टीआरपी के लिए, सीरियसली बताओ, मैं भी पैसों के लिए रिएक्शन वीडियो बना रहा हूँ करके, और जो क्रिंज दिखा है ना क्या बोलो, मन तो कर रहा हर टॉपिक पर बात करो। और एक और कि लड़की बोल रही थी, मैंने मना किया था ना, मतलब लड़का बोल रहा था अपनी गर्लफ्रेंड को, मैंने मना किया था कैजुअल ड्रेस पहन के मत आना, तो ये क्या भाई, कैजुअली तो पहन कर रही है, ठंडी जगह तो जैकेट पहनो, जीन्स पहनो, सही तो नॉर्मल पहन कर आए ना, छोटे कपड़े पहन के आए ना, कुछ करके आए कि लोग अजीब तरीके से देखे, बुरी नजर से देखे। और जैसे कैमरा पलटा ना मेरा दिमाग भी पलट गया भाई साहब, इतना छपरी वाला लोग और मुँह जो ऐसे रखकर ना भाई, ट्रिगर्ड इंसान ने वो सारे पॉइंट बोले जो मेरे को भी देख के लग रहा था अजीब सा, मतलब मैं क्या बोलूँ भाई सीरियसली यार। और वो डांस भाई साहब, टिक 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 टिक, क्या डांस किया, मुझे भी वो क्रिंज लगा था भाई साहब, कि जब लड़की बोलती है करके तेरे यहाँ शादी हो रही है, आके ये कर दूंगी, कब्रिस्तान बना दूंगी, या फिर वो नाचने लग जाती है भाई साहब, सीरियसली मैं पागल हो गया। और कहीं कहीं पे तो उसने मीम भी डाला था और मेरे को सेम लगा, आए बैंगन करके। बट जो भी हो, ओवरऑल बोलूँगा वीडियो बहुत अच्छा था, बट अगर मेरा कभी मूड ख़राब होता मैं तो दिल खोल के बता दूंगा भाई मेरा मूड क्यों ख़राब हुआ था, कभी भी वीडियो बनाते होगा तो ठीक है, पर ट्रिगर भाई बता देते अच्छा होता, बट ओवरऑल मेरे को वीडियो बहुत अच्छा लगा इसलिए मैंने इस ओरिजिनल वीडियो को लाइक कर दिया। तो उम्मीद है तुम लोगों का मेरा ये रिएक्शन वीडियो पसंद आया, पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना ठीक है, चैनल पे नए हो पूरा रिएक्शन वीडियो देखा, अगर तुम चाहते हो कि ट्रिगर भाई यानी कि ट्रिगर इंसान ये ऐसे क्रिंज अकेले मतलब देख देख के अकेले ना फील करे, ना इतना बुरा फील करे, ना इतना सहे बुरा क्रिंज को, और तुम चाहते हो कि राजू भाई राजा का रिएक्शन तू भी देख ट्रिगर इंसान का वीडियो और तू रिएक्शन बना, मैं चाहता हूँ कि तू भी ट्रिगर इंसान के साथ और मेरे साथ हमारे साथ भाई क्रिंज फील कर, मैं चाहता हूँ, उसके लिए सब्सक्राइब करो, तब मैं पक्का 100 क्रिंज इंटू 100 पक्का फील करूंगा। तो मिलते हैं फिर कल किसी और नए रिएक्शन वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय।